सुप्रभात दोस्तों, आज की इस प्रातःकालीन बेला में मैं डॉक्टर श्रीमती अंजना भट्ट मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस धरती पर ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह सब नाशवंत है, कुछ भी शाश्वत नहीं है सिवाय ईश्वर के। जैसे आगमन और प्रस्थान, जन्म वैसे ही मृत्यु, यह जीवन का सत्य है, यही नियति है जिसका हम सभी को चाहे अनचाहे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है मिलना बिछड़ना। मिलना बिछड़ना इस जीवन की गति है, निभानी पड़ती सभी को यह रीत है। मिलन का आनंद अपरंपार है, पर बिछड़ने का गम भी पारावार है। जो शिव शिवा का मिलन शाश्वत है, यूं ही महादेव सती का विलग होना भी नियति है, यही जीवन की रीत है। ज्यों राम जी से जनक नंदिनी का मिलन शाश्वत है, यूं ही सीता मैया का धरती में समाना और बिछड़ना नियति है, यही जीवन की रीत है। ज्यों क्षितिज पर धरती आसमां का मिलन शाश्वत है, प्रातः होते ही उनका बिछड़ना या छटना भी अटल है, यही जीवन की रीत है। ज्यों श्रवण का माता पिता से मिलना शाश्वत है, मिलन शाश्वत है, वहीं दशरथ तीर से श्रवण का प्राण त्यागना, मात पितृ से बिछड़ना नियति है, यही जीवन की रीत है। ज्यों क्रौंच पक्षी का मिलन शाश्वत है, वहीं बहेलिए के तीर से दोनों का बिछड़ना अटल है, यही जीवन की नियति है, यही जीवन की रीत है। ज्यों मानव का शिशु रूप में धरा का जन्म लेना शाश्वत है, वहीं माटी की देह का माटी में मिलना भी अटल है, यही नियति है, यही जीवन की रीत है। निभानी पड़ती सबको यह प्रीत है, निभानी पड़ती सभी को यह प्रीत है। शुक्रिया दोस्तों।